अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीजिए हाजिर है आज के आपके प्रोग्राम झनकार में। पिछले हफ्ते हमारे पंजाबी के प्रोग्राम को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया, खास तौर पर नगमा आचा नहीं पहचा साइकिल पे। नाज़रीन, आज के इस झनकार प्रोग्राम में मेरा साथ दे रहे हैं खांजी इवेंट के शमील दुरानी। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। खवातीन हजरात, ये कलाम जब फैज साहब ने लिखा तो दुनिया या अदब में एक तहलका मच गया, और कुछ अरसे के बाद जब मैडम नूरजहां ने इसको जिंदगी दी और इसको चलता फिरता और गाता हुआ शाहकार बनाया, तो दुनिया या अदब में तो तहलकी पहले से ही थी, दुनिया सुखन में एक और तहलका मच गया। और ये खूबसूरत गजल ऐसी खूबसूरत आवाज के साथ जब मार्केट में आई तो एक फिल्म की भी जीनत बन गई। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको याद दिलाऊं कि इसको कैदी फिल्म में शमीमारा पर पिक्चराइज किया गया और ये इस फिल्म की जान था। लीजिए सुनिए, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। जाने वाले रे,
ठहरो जरा। अरे क्या याद दिला दिया? क्या याद दिलाया बताइए। मलका तरनो नूरजहान का ये नगमा जाने वाले रे, ठहरो जरा रुक जाओ। इंतजार फिल्म में मौसीकी रशीद खतरे साहब की। क्या बात है। तो लीजिए नाजरीन सुनते हैं एक हो जाए खूबसूरत सा गाना, जाने वाले रे ठहरो जरा रुक जाओ लौट आओ। क्या ख्याल है इसके बारे में? मलका तरनम नूरजहान का ये नगमा जो उन्होंने इंतजार फिल्म में गाया उन्हीं पर पिक्चराइज हुआ, रशीद अत्रे की मौसीकी थी। वाह। जाने वाले रे ठहरो जरा रुक जाओ लौट आओ। मैंने प्यार किया दुख पाया, हाय हाय नजारे सुनते हैं ना जी, गाना सुनते हैं। चले गाना सुनते, थोड़ी सी यादें, थोड़े से नगमात, थोड़ी सी बातें, इसी का इसी तरह से सिलसिला जारी रहेगा आज। ओ जाने वाले रे ठहरो जरा रुक जाओ लौट आओ, ओ जाने वाले रे ठहरो जरा रुक जाओ लौट आओ। गीत मेरे जान। अरे यार क्या, अरे नूरजहां हम में किसने कहा कि नहीं है? हाँ, अपनी मौसी की आज मैडम तो हमारे साथ हैं, बिल्कुल है। हमारी सांसों में, हमारे खानों में, हमारे जहन में और हमारे दिल में है। दरानी आपने क्या याद दिलाई, मुझे याद है कि मई में ये गाना पिक्चराइज हुआ था। किस पर? सबिया खानम पर। सबिया खानम जिस जमाने में फिल्म बन रही थी, इत्तेफाक से हम लोग उस वक्त पाकिस्तान में थे और वी वर आल्सो स्पेंडिंग सम टाइम इन मई। गर्मियों के दिन थे, गाड़ी आ रही है, उसमें संतोष कुमार है, सुबिया खानम रक्स कर रही है, एक मजमा सा लोगों का लगा हुआ है, बड़ा प्यारा रक्स, बड़ा प्यारा गाना। और मुझे ये भी याद है कि मलका तरनम नूरजहान मुस्कुरा कर सुबिया से कहती हैं, सबो तू तो मेरे गाने में चार चांद ला देते हैं, क्योंकि मलका तरनम नूरजहान भी गर्मी की छुट्टियाँ गुजारने उस वक्त मरी में आई हुई थी। तो लीजिए नाजरीन गाना सुनते हैं, गाएगी दुनिया।
आग का दरिया मोहम्मद अली शमी मारा जान, क्या याद आता है? जाहिर साहब, आग का दरिया एक ऐसी फिल्म जिसे रियाज शाह ने लिखा और इस फिल्म ने मोहम्मद अली साहब की जिंदगी बना दी, उनको फनकार बना दिया। आपको याद होगा भारत की फिल्म आई थी गंगा जमुना, जिसमें दलीप कुमार ने एक डाकू का रोल किया था और वैजयंती माला उनसे शादी करती है। पाकिस्तान में एक डाकू का रोल किया मोहम्मद अली ने। मैं कोई दलीप कुमार और मोहम्मद अली का कोई कंपैरिजन नहीं करा रहा, मैं दिखा रहा हूं हिंदुस्तान की फिल्म गंगा जमुना और पाकिस्तान की फिल्म आग का दरिया। इसके कुछ डायलॉग थे, हम खुद लूट न जानते हैं अजनबी, लूटी हुई दौलत का नजराना नहीं लेते। नजराना वापस करने का नतीजा, लूटने वाला खुद माले गनीमत बनकर आ गया। तायब, तुम्हारी गुस्ताखी की यही सजा है कि अपनी जबान काट कर फेंक दो, या अपने कराए के पांव को हरकत में लाकर इतना नाचो कि तुम्हारी हड्डियां घोंघरों की तरह बजने लगे। जिस नफरत से तुमने तवायफ का लफ्ज इस्तेमाल किया है उसका शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन हुक्म देते वक्त ये क्यों भूल गए कि तवायफ जिंदगी के इशारों पर नाचा करती है, मौत के कहने पर नहीं। तुम्हारे हुक्म से ये किराए के पांव कांप तो सकते हैं, रख नहीं कर सकते। तवायफ डाकू, अपना नाम भी याद रखो। क्या नाम है तुम्हारा? नाम शबनम है, लेकिन उसी लहजे में पूछो। मेरे नाम से वाकिफ हो? तुम्हारे काम को जानती हूँ, यही काफी। जिंदगी से उकता चुकी हो शायद। जिंदगी से उकताने वाले दूसरों की जिंदगी से खेलते, अपनी से नहीं। मौत से नहीं डरती? मौत से डरती तो डाकू बन जाती, तवायफ नहीं। जबान को लगाम दे। गाली देनी है तो तवायफ से बड़ी गाली, जुल्म करना है तो तकदीर की लाठी बनकर आओ, जिंदगी लेनी है तो मौत से ताकतवर बनकर देखो, और अगर रक्त देखना चाहते हो तो आंखों में झूठ की मोहब्बत बसा कर आओ, सच्चाई की नफरत नहीं। जाओ और अपनी सूरत बदल कर आओ। जाओ 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 जाओ। नाचो और इतना नाचो कि तुम्हारी हड्डियों की झनकार से ये बस्ती गूंज उठे। नाजरीन, ये नगमा इतना प्यारा नगमा है जो शादी के बाद जबकि मोहम्मद अली साहब उठाकर शमी मारा को जो एक तवायफ होती लेकर आते हैं उससे शादी करते हैं, और सुबह वो ये गाना गाती है, हवा से मोती बरस रहे हैं। हवा से मोती बरस रहे हैं, फजाएं उसकर आ रही है, डगर डगर है तमाम। मुझे तो पता नहीं कि हवा से मोती कैसे बरसते हैं, जिन्होंने बरसाए हैं मोती उन्हीं की आवाज में, और
उन्हीं की छवि के साथ सुनते हैं। हवा से मोती बरस रहे हैं। हवा से मोती बरस रहे हैं, हवा से मोती बरस रहे हैं, हजार तराने सुना रही है, जगर जगर है तमाम सहरा, गली गली जगमगा रही है, हवा से मोती बरस रहे शाहिद साहब के बारे में हो जाए बात। किसी से नहीं आप? उनकी एक बड़ी अच्छी फिल्म थी। कौन सी? ये तो मुझे भी पता नहीं। जब पता चले तो मुझे बता दे। कोई प्यारा सा गाना सुना है ना उनका? श्री दुरानी साहब, एक और नगमा। अब आपको बताऊं इस फिल्म में क्या था? शाहिद साहब जो फिल्म के हीरो थे और शबनम जो उस वक्त पाकिस्तान की टॉप हीरोइन मानी जाती थी। आपको याद होगा कि दीबा, रानी, शिमीमारा, जेबा ये अपने अपने वक्त की बेहतरीन हीरोइन थी और ये वक्त वही वक्त था जब शबनम मशरकी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है वहां से पाकिस्तान आती है। मशरकी पाकिस्तान में शबनम को फिल्म में काम करने के सिर्फ 4,000 से 5,000 रुपए मिलते थे। जब उसे ये पता चला कि पाकिस्तान में यानी मगरबी पाकिस्तान में फनकारों को अदाकारों को 20,000, 30,000, 50,000, 70,000 मिलते हैं तो वो दीवानी सी हो गई और फौरन रोबन घोष और शबनम पाकिस्तान आ गए।
और शमीमारा की एक्टिंग नो शबनम इसमें इसमें शबनम अरे भाई शबनम शमीमारा तो नहीं थी बीबी शबनम थी शमीमारा बीबी तो बहुत माशाल्लाह बहुत उम्र की थी उस वक्त कहां शायद के साथ आ सकती हूँ अरे शमीमारा साहब उस वक्त शबनम के साथ शबनम के शायद और शबनम हाँ हमारी सांसों में पता नहीं क्या बसा हुआ है लेकिन उनकी सांसों में तो पता नहीं कुछ अच्छी चीज बसी हुई लेट्स हियर इट ओके कलाम है फराज साहब का और आवाज एक परस्तार की मिस हिना महक रही है हमारी सांसों
अच्छा खवातीन हजरात, अभी तक तो कुछ नहीं कहा और पता नहीं क्या क्या कहे गए हैं। क्यों जान, आपने भी बहुत कुछ कहा लेकिन आपने आज कोई शेर नहीं सुनाया। आप शायर हैं, बहुत कुछ हैं। आप अपने आपसे किसने कहा कि मैं शायर हूँ? आपने खुद ही कहा। किस दुश्मन ने ये अफवाह उड़ाई है? लग गया वीजा अमरीका ना, लग गया बुआ नसीबा का। आपने वो गाना अभी तक लिख के नहीं दिया मुझे। अरे सर, लिख के दिया है, आपको याद नहीं? अच्छा, वो इतना मुखड़ा लिख के दिया आपने? मुखड़ा हर चीज होती है गाने की। चले, आप किस गाने की बात कर रहे हैं? दुखड़ा भी लिखे थे सामने। अच्छा, आप किस गाने की बात हो रही है? हम आपको आखिर में आज सुनाते हैं। फिल्म अजरा में नीलो पर पिक्चराइज हुआ था एक नगमा। कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। ये बहुत प्यारा नगमा था। इस फिल्म की एक छोटी सी एक स्टोरी आपको बताऊं। ये दरअसल नगमा नीलो पर पिक्चराइज होता है जो कि एक शहजादी है, और वो एक शहजादी यानी जो कि एजाज दुरानी साहब रोल कर रहे थे, उससे करती है और वो उन्हीं की याद में गाती है कुछ भी ना कहा और कह भी गए। बड़ी मजेदार फिल्म की कहानी ये है कि नीलो पर तशद्दुद होता है तो वो इजाज पर उसके तासरात होते हैं। जब इजाज की आंखें निकाली जाती हैं तो नीलो भी अंधी हो जाती है। शाम का जो बादशाह है, जो उस जमाने में जो रोल किया था वो किया था अलाउद्दीन साहब ने। अच्छा। तो पड़खाती है एक खातून और let the people figure it out. We leave it right there. नगमा सुनते। इसी के साथ ही आप नगमा सुने और हम जाके कुछ और करते हैं। कुछ भी
घड़ी देखता हूँ तो इतनी खूबसूरत नगमात सुनने के साथ पता ही नहीं चला कि वक्त कैसे गुजर गया। हमारे भी जाने का वक्त होने लगा है इस प्रोग्राम से, लेकिन इस वादे के साथ कि अगर अल्लाह तबारक तआला ने जिंदगी दी तो आइंदा हफ्ते इसी मुकाम पर इसी वक्त किसी और फनकार के नगमात के साथ किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदा हो पाइंदाबाद।